मॉर्निंग गाइस, अभी बजे है 10:30 हो गया है और मैं अनुश्री को लेके डॉक्टर के यहाँ पे जा रही हूँ। उसके पापा भी उसके साथ हैं और उसका जो वैक्सीनेशन बाकी था 2.5 ईयर्स का, तो वो देने में जा रही हूँ। और वो चली गई है बाहर पापा के साथ और मैं अभी कर रही हूँ ब्लॉगिंग। मैंने सोचा सुबह मैंने दिखाया नहीं, जस्ट मैंने वो सैंडविच का जो सैंडविच मैंने जो बनाया उसका वीडियो मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुझे सब काम कर खत्म करके खाना बना के घर से निकलना था। इसके लिए मैंने मॉर्निंग मील्स पूरा खत्म कर लिया है और वो वहाँ पे अनुष्का आ गई है, वो शूज डाल के आ गई है, तो वो दिखा रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज मैंने ये जो ऑरेंज वाला कुर्ता है वो डाला है क्योंकि गर्मियों का सीजन है और बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है और गर्मी धूप बहुत है, तो इसकी वजह से मैंने ये सिंपल कॉटन का कुर्ती जो डाला है वो मैंने डीमार्ट से लिया था। सिंपल है और पतला है जिससे कि गर्मी नहीं होती है। तो आज का है ये मेरा लुक और मैंने यहाँ सामने से पफ निकाला और पीछे जो बनाना क्लिप रहता है वो डाला है क्योंकि बाल ऊपर बांधे क्योंकि मतलब गर्मी ज्यादा है। देखो बंद हो गए। वो सब को बंद कर रही है। अच्छा, से हाय। लुक एट हियर मम्मा। अबे इथे मम्मा कडे बघ। हाय गाइस, असं इकडे। अभी मैं आ गई नर्सरी में, कुछ पेड़ लेने थे। अभी मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने वहाँ से नर्सरी से चार झाड़ लिए, झाड़ या पौधे जो बोलते हैं उसे वो लिए, एक दो रोज लिए और एक हिबिस्कस का लिया जिसे जासमंदी कहते हैं और फोर्थ वाला जैस्मिन का लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इसके फ्लावर्स और उसका स्मेल इतना अच्छा लगता है, वो अच्छा है। और अभी मैं लंच में क्या क्या बनाया है वो आपको दिखा दूंगी। मैं सुबह ही सब नाश्ता करके फिर लंच बना के फिर चली गई थी, तो अभी लंच करेंगे और उसके बाद जो पौधे मैंने लेके आई हूँ उसको प्लांट करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। और उसके साथ मैंने वो जो खाद डालते वो भी लेके आई हूँ, तो वो भी मैं दिखा दूंगी आपको कौन सा खाद लिया है, क्योंकि जब हम लोग फ्लावर वाला जो कोई भी पेड़ लेते हैं या पौधा लेते हैं तो उसके उसके ऊपर जो मतलब खाद डालना चाहिए क्योंकि उससे उसके फ्लावर की उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और उससे फ्लावर भी आ जाते, नहीं तो कभी कभार कैसे वो मतलब फ्लावर में फ्लावर आते ही नहीं है पेड़ को, पेड़ बढ़ता जाता है पर उस पर फ्लावर नहीं आते है। तो उसके लिए मैंने वो खाद लेके आई है जो कि वो अच्छा है पेड़ों के लिए, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी कौन सा लेके आई हूँ। चलिए लंच करती हूँ फिर आपको। आज मैंने खाने में बनाया है चपाती, आलू मटर की सब्जी और ये पोटैटो की भजी है और चावल।
कैशो नट जिसे हम बोलते हैं और इससे हम लोग सब्जी बनाते हैं। ये जो कैशो नट है मेरे सास ससुर जो गांव से आए उन्होंने लेके आए है, तो उसे मुझे कट करना है। और ये जो कटहल लेके आए जिसे महाराष्ट्र में फनस बोलते हैं जिसकी सब्जी बनाते हैं हम लोग, तो इसकी भी सब्जी बनानी है। और इससे भी बड़ा एक कटहल मतलब जो जैक फ्रूट होता है वो भी लेके आए हैं जिसे पे रखा है, वो बहुत बड़ा है और अभी तक वो ठीक से पका नहीं है। शायद एक साइड से पक गया है, जहाँ जहाँ येलो स्किन उसकी होती जा रही है वो पक गया है, पोर्शन उसका पक गया है। और जो ग्रीनिश है तो वो पका नहीं है अभी तक, तो ये एक दो दिन में पक जाएगा, फिर उसे मैं कट करूंगी और इसे चेक करते हैं जैसे कि ये पका है कि नहीं। इसे प्रेस करके अगर इसके जो कांटे हैं वो सॉफ्ट लगे तो समझ जाइएगा कि ये पक गया है, और इसके जो ऊपर वाले जो कांटे हैं जो बहुत हार्ड है जो कि अभी तक पके नहीं है
तो अभी तक वो पूरा अच्छी तरह से पका नहीं है, तो अभी जब पक जाएगा तो उसे मैं कट करूंगी। शायद मुझे टाइम मिला तो उससे मैं जो वीडियो बनाना है तो उसमें भी वो बना दूंगी, तो देखते हैं। और कैरी भी आ गई है गाँव से, ये जो कैरी है वो हापुस की कैरी है जो कि अच्छी लगती है। इसका मैं पिकल बनाने वाली हूँ, जो थोड़ी कैरी जो लेके आए है उससे मैं पिकल बनाऊंगी। अच्छा बना तो आपको भी बताऊंगी, जरूर बताऊंगी आपको। और इसकी सब्जी बनानी है, और जब कैशन कट करते हैं तो उसे बहुत केयरफुली कट करना पड़ता है, क्योंकि इससे जो एक लिक्विड निकलता है जो कि वो हाथों के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो जब भी कट करेंगे तो उससे पहले हाथों में ऑयल डालना चाहिए, और जो नाइफ लेंगे उससे भी ऑयल लगाना चाहिए, और वो कपड़े में पकड़ के फिर काटना चाहिए। तो वो अगर मैं कट करूँगी तो उसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपको भी पता चले कि कैसे कट करते हैं। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत महंगा मिलता है। जैसे कि गांव में इसको मतलब 10-20 जो कैशनट्स है वो कुछ 50 या 60 रुपीस में मिलते हैं, पर रॉ कट विदाउट कटिंग, तो कट करना आपको पड़ता है। तो ये जो है हमारे खुद के पेड़ है जिससे ये बनाया लेके आए हैं, और ये जो कटहल है वो भी गांव से ही लेके आए, तो उसका मैं सब्जी बनाऊंगी और तो आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगी आपके फोन पे या स्क्रीन पे। और कीप ऑन वॉचिंग।